मित्रों बहुत पुराना भारतीय जनता पार्टी का संगठन वाला प्रदेश, और ये प्रदेश एक प्रकार से भारत का दिल है, जहां मां नर्मदा, जहां मां क्षिप्रा के जल और नीच बहा करते हैं, जहां पर भगवान महाकाल स्वयं विराज कर जगत के कल्याण के लिए अपने आशीर्वाद सबको देते हैं, जिस भूमि पर बालक शंकर को शंकराचार्य बनाने का पुण्य स्थान उपस्थित है, ऐसी पुण्य धरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए एक तीर्थ समान है। यहां पर कुशाभाऊ जी और राजमाता साहब ने संगठन के मूल सिद्धांतों को, आदर्शों को चरितार्थ करने की एक धर्म यात्रा यहां पर करी। कुशाभाऊ जी पूरा जीवन निर्लेप भाव से संगठन को समर्पित जीवन था। जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के विस्तार और विकास के लिए उन्होंने दिया, और उसका सबसे ज्यादा फायदा देश भर में किसी एक राज्य को मिला है तो मध्य प्रदेश के सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं को। मित्रों शिवराज जी ने कहा, हम चुनाव जीते, हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आह्वान किया, नरेंद्र सिंह जी ने भी आह्वान किया, मगर मैं कहना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव हम सब ने कुशाभाऊ और राजमाता साहब को समर्पित करना चाहिए, और इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर जीतने का संकल्प ले। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर इस चुनाव को जीतने का रास्ता अख्तियार करे। मैं इस विषय पर बाद में थोड़ी बात करूंगा, मगर मैं अभी अभी कर्नाटक के दौरे पर हूं, कर्नाटक के चुनाव में घूमता हूं, आपकी तरह सब कार्यकर्ताओं को जिले जिले में जाकर मिलता हूं, आम सभाएं होती है, रैलियां होती है। एक दिन रात को मैं टीवी देख रहा था, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष और राहुल बाबा दोनों का बयान था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और बड़े विश्वास से बोल रहे थे। मैं सोचता था भाई किस आधार पर बोलते होंगे, और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2014 से 2018 की हमारी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा बताना चाहता हूं। जो सेठ चल्ली के स्वप्न कांग्रेस के नेता देख रहे हैं, उनको भी मैं बताने चाहता हूं, आप में दम नहीं है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का। 2014 से 2018 का इस देश का राजनीति का मानचित्र उठाकर देख लीजिए। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 30 साल के बाद किसी एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलना शुरू हुई, और जिस प्रकार का प्यार, जिस प्रकार का आशीर्वाद देश भर की जनता ने दिया है, वो आज देश के राजनीतिक मानचित्र को बदल कर रहा है।